ये गोप्रो किसने चालू छोड़ दिया यहाँ पे? चलो ब्लॉग ही कर लेता हूँ। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ निंजा रियो ब्लॉग। फाइनली कौन सा एपिसोड है, कितने दिन बाद आ रहा है? कल शाम को ही मेरा कानपुर से वापस आना हुआ है, सामान अपना यहीं पड़ा है। और आपके मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि ये सिर्फ कानपुर जाने का व्लॉग बनाता है या फिर डायरेक्ट कानपुर से आने का व्लॉग बनाता है। कानपुर में तो इसने एक भी व्लॉग उन्होंने बनाया। तो गाइस उसका एक रीज़न है गाइस, ठीक है। सब चीज़ों की एक वजह होती है, मतलब कुछ भी होना है वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो होना है उसकी भी वजह है, मैं व्लॉग नहीं बना रहा उसकी भी एक वजह है। एक वजह तो ये है कि मैं जब आया था तो अपना सेटअप लेके आया था, तो शुरू शुरू में तो मुझे अपना सेटअप अरेंज करने में, यहाँ पे मेरी सेटअप के लिए एक टेबल अरेंज करने में उसी में टाइम लग गया। फिर कुछ दिन यहाँ रहने के बाद हमें सबको पता चला कि ये जो बूट कैम्प है, जिसमें मतलब ये जो हमारा गेमिंग हाउस है, ये अभी थोड़ा हमारे लिए प्रॉपर नहीं है। मतलब जो बंदे रह रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा आप लोगों को शायद आपने अगर नेड ऑफिशियल पे इस बूट कैम्प का इंट्रो देखा है तो आपको पता होगा ये है हमारा चिल आउट एरिया और यही स्लीपिंग एरिया भी, ठीक है। फिर बाहर ये हॉल है छोटा सा, ये दो कैबिन है, लेजेंड अभी स्ट्रीम कर रहा है वैसे। ये मेरा स्ट्रीमिंग एरिया है और यहीं पे हमारा एडिटर भी बैठता है और ये वहाँ मैं बैठता हूँ, यहाँ पुट्टू बैठता है। फिर इधर आ जाओ, ये हमारा बाथरूम एरिया, और इधर आओ तो ये हमारा कंटेंट एरिया, बस ख़त्म, इतना सा ही। ये देखने पर तो आपको पता चल गया होगा छोटा है, और भैया सोच रहे होंगे किचन कहाँ है। तो किचन एक्चुअली खाना ऊपर से आता है, किचन यहाँ नहीं है, तो उसी चक्कर में। और बाहर देखो हॉर्न की आवाज़ आ रही है, बाहर जो है बहुत ही बिजी रोड है, तो इसी चक्कर में हैप्टिकनेस हो रही थी, खाना पीना सबका टाइम पर हो नहीं पा रहा था। और जैसा कि ये दिख रहा है यही हमारा स्लीपिंग जोन भी है और चिल आउट जोन भी है, तो यही बिस्तर लंबे हो जाते थे और यहीं सो जाते थे, और यही बिस्तर वापस सोफ़ा भी बन जाते थे। मल्टी टैलेंटेड सोफ़ाज यही है, तो इस वजह से हो गया रहता कि अगर एक बंदे को सोना है और तीन बंदों को नींद नहीं आ रही है, तो वो तीन बंदे यहीं बैठ कर आते और बातें करते रहेंगे और एक बंदे की नींद भी प्रॉपर खराब हो नहीं पाती थी। फिर सुबह इसी वजह से सबका टाइम शेड्यूल ख़राब हो रहा था। सुबह 6 बजे सो रहे हैं, हैं, और दिन में 1-2 बजे उठ रहे हैं, खा पी सही से नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ही हैप्टिक हो गया था। फिर इस चीज़ को चेंज करना ज़रूरी था, तो उसके बाद हमने डिसाइड किया आज से 15 दिन पहले कि गेमिंग हाउस को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। क्या, क्योंकि ये जो था ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया था, क्या कि सबके पास भी रहे यहाँ पे, जो यहाँ पे लोकल है जैसे ऋषभ भैया, राठौर, पुट्टू, इनके पास में भी रहना चाहिए क्या ये एरिया, तो जल्दबाजी में ये लिया गया था। फिर बाद में पता चला कि नहीं यार, एक प्रॉपर जगह की जरूरत है। जब सब रहने लग गए, सब काम करने लग गए, सबका मतलब लेवल मैच कर रहा है कि हाँ भाई सब आपस में रह सकते हैं, तो अब हमने डिसाइड किया था कि अब हम अपना गेमिंग हाउस शिफ्ट कर लेते हैं एक अच्छी जगह, प्रॉपर जो वेल मैनेज्ड हो। फिर हमको आज से 15 दिन पहले डिसाइड किया, और कितने दिन हो गए, मतलब 6 दिन पहले हमें मिल गई किसी प्रॉपर्टी कि हाँ भाई यहाँ हमारा गेमिंग हाउस बन सकता है अच्छा सा। तो उसके बाद वहाँ शिफ्ट, वहाँ की फिर वहाँ पे हमने काम शुरू कर दिया। वहाँ पे अभी काम चल रहा है, केबिन वेबिन बनने का, जो छोटा मोटा फर्नीचर का आइटम है, बंक बेड और जैसे ही है किचन का डाइनिंग एरिया, उसका काम चल रहा है। तो शायद होली के बाद या मेरे बर्थडे के बाद वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे हम प्रॉपरली। तो सिर्फ अब शायद इस मार्च का और हैप्टिकनेस है इस, और इस चक्कर में मेरी स्ट्रीम की भी बहुत छुट्टियाँ हो गई मैं जानता हूँ, तो मार्च तक का, तो ये मार्च और है हमारा, मार्च के बाद हम प्रॉपर मार्च शिफ्ट कर जाएंगे और प्रॉपर मार्च टाइमिंग अरेंज हो जाएगा। बस ये मार्च की झंझट है, मार्च के एंड तक हम शिफ्ट कर जाएंगे, तो अप्रैल से फिर से हम कंटिन्यू हो जाएंगे मेरी स्ट्रीम को लेकर। मैं तो स्ट्रीम को लेकर कंटिन्यू हो जाऊंगा, और व्लॉग को लेकर भी कंटिन्यू हो जाऊंगा, चिंता मत करो, हो जाऊंगा। एक दिन छोड़ के 3 दिन बाद तो एक व्लॉग आ ही जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो चलते हैं, इसी व्लॉग को कंटिन्यू करते आगे, चलो। ठीक है गाइस, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉग और स्ट्रीम क्यों रेगुलर हो पा रही है। कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने बोला अप्रैल तक सब सही हो जाना चाहिए, ठीक है। अप्रैल के बाद मे भी सब रेगुलर हो जाए। अब मुझे चलते हैं, सबसे मिलते हैं, एक मिनट। अब न्यूज़ चेंज हो चुकी है, क्रिप्टो मार्केट तो बचा जा चुका है, पर घर में सो रही बुजुर्ग महिला, चोर नकदी और गहने ले गए। बहुत बुरा हो जी, बहुत बुरा हो, घर में आप बुजुर्ग महिला सो भी नहीं सकती। बहुत बुरा होगा गाइस, तो जैसा कि आपको बताया गाइस आज जो होली का दहन भी है, तो उसी की भी तैयारी करनी है अभी हमको। और मैं 20 दिन यहाँ नहीं था, तो 2 मेंबर और बढ़ गए यहाँ पे, 1 एंड 2। ये कौन सी मुद्रा में ही है ललित? अभी अपने स्टार्टअप में लगा हुआ गाइस, जो इसने बायोगैस के प्लांट लगवाना है इसको, उसी में लगा हुआ है, उसी की मीटिंग में बिजी रहता है दिन भर।
खोल दो। ललित को भूख लग गई तो खोलना, रुक जा। अरे भाई, पर एक हाथ दिमाग, चलो। अब ललित सीधा नम 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 धुन धुन धुन। देखा, अब इन पता चल गया क्या दूध पी रहा है नी। अब गाइस ललित बिल्कुल ट्रेन हो चुका दूध पीने में। अब जब ये दूध पीना सीखा, थोड़ा सा दिन बाकी रह गया, उसके बाद इसे रचका खाना स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे को काम दिया गया कि मुझे इस चाय पे नज़र रखनी है कि ये ओवरफ्लो ना हो जाए। और जैसा कि मैंने कहा था कि ललित अपना बायोगैस का प्लांट बनाने जा रहा है गाइस, तो उसने स्टार्टअप में फंडिंग भी हो गई है उसके। तो उसने देखिए गाइस, सब जगह ये पाइप लगाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, पूरे ब्यावर में। अब जो हमारा जो भी गैस होगी ना, वो इन पाइपों के थ्रू आएगी, जिसको हैंडल करेगा अपना ललित। देखते देखते कितना बड़ा हो गया अपना ललित है। देखो आज उसका स्टार्टअप है, आशा करते हैं कि वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। नेहा ले चल, चला पापा जा रही है, आ जा। कट चाली चप्पल कटे, चप्पल चप्पल कटे। हाय हाय। ओ यार गाइस, नेहा 20 दिन में वर्ड निकलने लग गए इसका तो। क्या नाम है तेरा? पापा। पापा तो गया भाई, पापा गया होली जमा पा। क्या मम्मी, मम्मा, मम्मा, भैया, भैया, नेहा, चिका, नेहा, चिका, नेहा, चिका, नेहा, चिका, ने ने, ना, 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 हा, 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 नेहा, चिका। नेहा तो नहीं हुआ है, नेहा ने चिका, नेहा चिका, नेहा बोलने में भी टाइम लगेगा इसको, खुद का नाम सीखने में भी टाइम लगेगा गाइस। चुका चिका, चिका नहीं, नेहा, नेहा चिका, नेहा चिका, ने नन ने, हाँ मार क्यों रही है भाई, कैसे मार कर चाचा, मार क्यों रही है? मैं पापा छोड़ के नहीं। बोल ने ना, हाँ हाँ, ने ने, हाँ 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 हाँ, ने ने, हाँ हाँ, ने हाँ जिक्का नेहा चिक्का चिक्का नहीं नेहा। वो कहीं नाचवा हो तो मैं नाचवा है। हाँ तो गाइज, मैं और नरेश आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है गाइज। वहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है अभी, और ये सारे मेंबर, सारे लोग जो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, सभी के हाथ में ऐसा एक है, ऐसा गुच्छा है। क्या जैसे ही होली चलना स्टार्ट होगी ना, सब इस गुच्छे को इसमें डालेंगे और पकाने का ट्राई करेंगे। गाइस सबसे डेंजर पार्ट होने वाला है, प्रहलाद को बचाना है आग में से। ठीक है, मैं वापस नहीं आऊंगी, तुम्हारा सेटअप पाछू मंगा लीजिए कानपुर। गाइस थोड़े बाद में उठा लेंगे, जिंदा रहना जरूरी है उसके लिए।
अब पक तो गया यार, दूर पक गया, दूर पक गया तो यार। जिस दिन आप बहुआज होली खेली जाएगी, मैं होली के साथ साथ एक ट्रेडिशन काम भी होता है जो सभी गांव में होता है हमारे आसपास के, जिसको कहते हैं ढूंढना। ढूंढना क्या बोलते हैं इसको? ढूंढना। तो ढूंढने का मतलब होता क्या गाइस, ये मैं आपको बता देता हूँ। ढूंढने का मतलब ये हो गया कि पिछली होली से इस होली के बीच में जिन भी घरों में बच्चे हुए हैं, न्यू बॉर्न बेबी, तो वहाँ पर जाते हैं, ढोल बजाते हैं, गीत गाते हैं, और मतलब एक तरह से काइंड ऑफ आशीर्वाद दिया जाता है वहाँ जो न्यू बॉर्न बेबी होता है पूरे गांव वालों की तरफ से। और वहाँ पे सब ढोल नगाड़ा ये बजता है और थोड़ा मतलब ये सब भी होता है, पार्टी शार्टी भी हो जाती है थोड़ी सी वहीं पे। मतलब एक तरह से सेलिब्रेशन टाइप होता है कि वहाँ भाई नया बच्चा हुआ तो वहाँ पर एक आशीर्वाद समारोह समझ लो उस नए बच्चे के लिए, वेलकम ग्रीट। तो यही प्रोसेस होता है ढूंढने का, तो उसी की तैयारी चल रही है। ढोल बजा के अभी सबको बुलाया जा रहा है, गाँव के अभी सारे लोग आएंगे लकड़ियाँ लेके, और गाँव में जाके जो भी प्रोसेस होता है गीत वीत गाया गाने का प्रोसेस होता है वो गाएंगे। हाँ, और सबसे पहले हम जाएंगे ठाकुर जी के मंदिर, उसके बाद जाएंगे जहाँ पे ढूंढ करनी है। और मेरे साथ है नरेश। हेलो गाइस। नरेश प्लान क्या है अपना? प्लान क्या, आज इवेंट में चलना है ना। हाँ गाइस, थोड़ी देर खेलने के बाद। गाइस एक होली पार्टी है जिसका टिकट है 200 रुपये, तो उसके लिए नरेश को 200 रुपये जुगाड़ने हैं। वो भी हो जाएगा। तो नरेश आपको प्लान किया 200 रुपये जुगाड़ने के लिए? वो मैंने वो खुफिया है। खुफिया नहीं है गाइस, मैं बताता हूँ, जब ढूंढने जाएंगे ना तो जो बच्चे होंगे। अरे सबको स्कीम नहीं बतानी है। अरे इनको तो बता रहे थे, इनको तो नहीं, नहीं बाद में ये स्कीम कहीं और लागू हो गई तो नहीं होगी, नहीं होगी। तो जो छोटे बच्चे होंगे उनको लेके बैठना पड़ता है, तो जो बच्चों को लेके बैठते हैं ना उसको भी पैसे मिलते हैं। तो नरेश आगे चला जाएगा पहले ही और उन बच्चों को लेके बैठ जाएगा और उनसे 50-50 रुपये लेगा, तो ऐसे करके 200 रुपये अरेंज कर लेगा ना, और इस तरह नरेश की पार्टी में एंट्री हो जाएगी। ये प्लान है नरेश का। मेरा दोस्त के पास वैसे ही है। हाँ, और इसका दोस्त है गोपाल, उसको भी ऐसे ही ऐसे करके इनका प्लान है 400 रुपये अरेंज करना है और पार्टी में एंट्री लेनी है। ठीक है, कर लिया नरेश। गाइस पहली जगह आए, पहली जगह पे नरेश चोट हो चुकी है। नरेश को मुंह खिलानी पड़ी है, इसकी इससे पहले कोई और बैठ गया था बच्चे को लेकर, तो नरेश का नंबर नहीं आ सका। तो ये देखिए मायूस सा चेहरा, बच्चा था वो। कोई बात नहीं, अभी भी 10 जगह बाकी है, 10 जगह में से 4 जगह तो नंबर आएगा। नाम बता था मन दोनों का, एक बार मयन। चलो ठीक है, देव और मयन। हमारा डिपार्टमेंट नहीं है अभी यहाँ, अभी यहाँ पार्टी शार्टी चल रही है। गाइस ये हमारे यहाँ खुले हम चलते हुए चीज की है, बेन नहीं खुला में टाइम है। और गाइस 8 तक को टाइम है, 8 से 8 तक का टाइम है। जी 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 ओम जी के ले ओम जी। अरे यार गिलास दे भाई, गिलास लाया। ये गाइस बड़े लोग ऐसे ओपन में पी सकते हैं, बच्चों लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक आ रही है जिसमें अभी तक हमारे यहाँ पे सब ओपन चलता है। इस मामले में कितने रुपए हो गए पार्टी में? मेरे पास 2000 है, 200 निकाल लूंगा।
अभी तक 0 रुपए हुआ गाइस। जहाँ पे एक जगह बैठा था वहाँ पे इसको नारियल से कटेगा, चोट हो गई, इसके साथ हो गई, इसके साथ भी चोट हो गई। वो तो बरसात है। ओके गाइस, ढूंढ का जितना भी प्रोसेस था कंप्लीट हो चुका है। जो भी सीन होना था, जहाँ जहाँ जाना था हम जा चुके थे। और वैसे तो हमारा प्लान था कि हम और नरेश जहाँ पे होली सेलिब्रेशन की पार्टी हो रही है, जहाँ पे नाना वाना सब था, ठंडाई वंडाई, वहाँ जाएंगे। पर वहाँ पे एक सीन हो गया, वहाँ पे ओनली कपल एंट्री अलाउड थी जब हमने पता किया। और वो ना मेरे को नरेश को एज अ कपल कंसिडर नहीं कर रहे। तो फिर हमने को छोड़ा कि छोड़ो यार, अपनी होली तो यहीं तक थी, अपनी होली तो होली। अब क्या है, अब नहाने का प्लान है, नहाएंगे धोएंगे खाना खाएंगे थोड़ा, फिर मंदिर जाना है। मंदिर का भी सीन है आगे, आपको दिखाता हूँ। पहले अभी मैं नहा लेता हूँ, और नहाने के लिए तो यार जल्दी नहा लेता हूँ उनको। जुम 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 गाइस नहा दो बिल्कुल तैयार। और गुलाल लगाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि एक बार में निकल जाता है, कम से कम पुराने कलर जैसा तो नहीं है कि भाई 3 दिन तक निकल ही नहीं रहा है। और होली दिवाली का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि घर पर बनता है नमकीन चावल, और ऐसे चावल होली दिवाली पे बनते हैं बस हमारे यहाँ, ऐसे नॉर्मल डेज पे नहीं बनते हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले ब्लॉग को आई गाइज आई थिंक यहीं पे एंड कर देना चाहिए, और जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा होली का पार्ट 2 वो मैं यहीं से शुरू करूँगा, ताकि होली वाला ब्लॉग 2 पार्ट में बन जाए। क्योंकि अभी तो मेन होली तो हमारे शहर की कल स्टार्ट होगी, बादशाह मेला जो मेन इतना फेमस है वो कल है, तो वो अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। अभी का ब्लॉग अपन यहीं एंड करते हैं, पार्ट 1। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट 1 फ्रॉम देयर, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ तक देखने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज निंजा लियो साइनिंग आउट फ्रॉम दिस पार्ट 1 होली।